47 के व्यक्तिगत के ऊपर खेल रहे हैं इस समय टॉसिंग कर पहले बल्लेबाजी करती हुई सुरेंद्र कलब बैच की टीम इस समय सातवां ओवर फेंका जा रहा है, आठवां ओवर फेंका जा रहा है इस समय अजय के द्वारा राइट आर्म ओवर द स्टंप तक और हाथ के बल्लेबाज के लिए फिर टॉस के द्वारा इसको खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र में यार रहा गया और इसी चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करती हुई यहाँ पर दो चौकों की मदद से 51 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित यह सामने बच्चों में सामने करिए तीन सेट हो अजय राइट टर्म ओवर द स्टंप पर हाथ के बल्लेबाज रोहित के लिए ये गेंद इस बार लॉक करना चाहते थे इस गेंद को लेग स्टंप को छोड़ती है गेंद विकेट कीपर के पास विकेट कीपर भी बीट हुए जब तक गेंद घर में पर गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाज ने अपने छोड़ पर दो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर हो जाए 121 रन दो विकेट के नुकसान पे दर्शित कर पहले बल्लेबाजी करती हुई सूर्योदय क्लब बैच की टीम में ये गेंद और इसको खेला है लगान के क्षेत्र में 6 रनों के लिए राहुल के बल्ले से निकलता है एक और छक्का इस छक्के के साथ 127 रन टीम का स्कोर दो विकेट के नुकसान पे दर्शित कर पहले बल्लेबाजी करती हुई जबकि इस समय अपने छोर बदले इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 128 रन दो विकेट के नुकसान पे अब पाए हाथ के बल्लेबाज रोहित जो 51 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द स्टंप पाए हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद इसको खेल दी है मिड ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 129 रन दो विकेट के नुकसान पे टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई यहां पर सूर्यदत्त का बैच की टीम फाइनल का मुकाबला बड़ा मुकाबला चाहता है अजय 117 राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल के लिए ये गेंद क्लीन बोल्ड यॉर्कर लेंथ की गेंद थी लॉक करना चाहते थे इस गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद लग स्टंप उखाड़ के ले गई का तीसरे विकेट का वर्णन होता हुआ यहाँ पे सूर्योदय क्लब बैच का जबकि टीम का स्कोर है इस समय 129 रन तीन विकेट के नुकसान पे अजय सफलता के बाद दूसरी सफलता हासिल की है अजय ने राहुल की जहां तक पीछे बात की जाए 4 गगन चुप्पी छक्के लगाए हैं 10 गेंदों का सामना किया है 26 रन अपनी टीम के लिए बनाए हैं प्रियांशु गहे नए बैट्समैन नंबर 5 में बल्लेबाजी करेंगे जतिन कुमार अच्छी बल्लेबाजी की है 18 गेंदों का सामना किया 8 गेंदों का सामना किया 18 रन बनाए दीपक भटवाल 9 गेंदों का सामना किया 12 रन बनाए रोहित अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं बालक के ऊपर प्रयास सुबह है
नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं गेंदबाजी में अमित काहे नए गेंदबाज पांचवें परिवर्तन के तौर पे राइट टर्न पांचवें परिवर्तन के तौर पे आए हैं सातवें गेंदबाज के तौर पे राइट टर्न काउंट सिस्टम बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित के समय सात के बाद चल रहा है इस ग्राउंड के ऊपर राइट नाउ ग्राउंड द स्टॉप बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए के अच्छी के माफ़ करना आउट होने का खतरा जरूर था लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज के ऊपर इस एक रन के साथ एक रन हो जाएंगे तीस रन तीन विकेट के नुकसान टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई जबकि नवा बल्लेबाज आ रहे हैं सात विकेट चलता हुआ इस समय चौके और छक्कों की बारिश होती थी करंट रन रेट जो है लगभग 12 अमित राइट आउट फ्रॉम द स्टंप बाय हाथ के बल्लेबाज क्लियर हो चुके हैं गेंद और इसको खेला है जो कि क्षेत्र में वहां पे अच्छी फील्डिंग जरूर कहा जा सकता है फील्डर के द्वारा जहाँ पे एक या दो रन न हो सकते थे बस कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर अभी भी रखा हुआ 130 रन 30 विकेट के नुकसान पे दो सिर कर पहले बल्लेबाजी करते हुए पट्टी हुई गेंद और इसको खेल के है बड़े के क्षेत्र में गेंद हवा में जरूर है और अच्छा कैच वहां पे फील्डर के द्वारा सुभाष के द्वारा जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम चौथे विकेट का पतन होता हुआ अभी करने वाली है पहली प्रियांशु गोल्डन कप बन के वापस आई है काफी उम्मीद रही उनकी कप्तान की लेकिन कुछ नहीं कर पाए गोल्डन कप बन के वापस आ गए चौथे विकेट का पतन पहला विकेट दीपक के रूप में आउट था दूसरा जतिन के रूप में तीसरा राहुल और चौथा अभी अभी प्रियांशु के रूप में नए बल्लेबाज विवेक इन अच्छी तरह टूर्नामेंट होंगे जबरदस्त ऑल राउंडर है विवेक की बात की जाए तो पांचवें नंबर पे बारिश है विवेक फिलहाल अपने सफल नंबर वन को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म राउंड दस तक का हाथ क्या बोले रोहित के सात क्रिकेट चलता हुआ इस समय इस ग्राउंड के ऊपर एक गेंद और इसको पक्की हुई गेंद देश को मिडल के क्षेत्र में खेला है अंपायर का इशारा देखना बाकी छह रन के लिए रोहित के बल्ले से निकलता हुआ एक और का मार चुप्पी छक्का डीप का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 136 रन 3 विकेट के नुकसान पे टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करती हुई सूर्यदत्त का पहली सातवां छक्का निकलता हुआ रोहित के बल्ले से अमित राइट आर्म राउंड द स्टंप बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद पट्टी हुई गेंद हवा में जरूर है उसके नीचे फील्डर जरूर आ रहे हैं लेकिन प्राकृतिक बाधा से टकराने के बाद एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 37 रन 3 विकेट के नुकसान पे आप विवेक हैं स्ट्राइक हैंड पे इन क्षेत्रीय टूर्नामेंटों के जबरदस्त ऑलराउंडर है विवेक अभी अपने सफलता नंबर को आगे बढ़ाते हैं एक सफलता हासिल कर चुके हैं बड़ा विकेट प्रिया चुका इस ओवर में लिया है राइट आर्म राउंडर स्टंप दाएं के बल्ले पर विवेक के लिए गेंद अच्छी गेंद थी इस टीम का स्कोर पहुंचा 138 रन विकेट के नुकसान पे अबे चले विवेक के लिए गेंद इस बार सेफ डिलीवरी सेफ रिचार्ज अगेन राइट 139 रन 3 विकेट के नुकसान पे जबकि इस समय नवा ओवर फेंक रहे हैं समय अभी भी 36 गेंदों का खेल शेष है अब ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं दाएं के बल्लेबाज के लिए निरंतर से बरसात का खेल है जानते हैं विवेक कि अभी ओवर बहुत है रन बहुत बन चुके हैं रोहित कुछ असमंजस में नाले को चेंज करने दें आज के दिन का ये बड़ा मुकाबला फाइनल मुकाबला चलता हुआ इस मधुबंगा स्टेडियम में और मेरे साथी कमेंटेटर रोहित बैठे बड़ा मुकाबला होता है अभी आप युवा हैं
जब बड़ा मुकाबला होता है टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टॉस जीतकर 2003 वर्ल्ड कप की बात मेरा अभी भी मेरे सामने बिल्कुल राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली और रिकी पॉन्टिंग का चेहरा मेरे सामने रहता है। भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने टॉस जीता था फाइनल मैच में, तो रिकी पॉन्टिंग का चेहरा ऐसा हो गया था आप मानो उन्होंने पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने जैसे ही बॉल फंस कहा तो रिकी पॉन्टिंग का चेहरा कमाल की तरह खिल गया था। तो बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला, टॉस महत्वपूर्ण है। फिलहाल गेंदबाजी में अनिल लाहिया स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 10वां ओवर, उनके सामने आपका वक्त मिलने बाद ये गेंद फिटोस गेंद थी, इसको खेलने हमीरान के क्षेत्र में, जब तक गेंद फिटो थी वहां पर फिल्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों अपने छोर बदले, इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 140 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय अनिल के द्वारा अपने स्पेल का पहला और टीम के लिए 10वां ओवर लेके आ रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 10वां ओवर। राइट आर्म ओवर द स्टंप के काज कर रहे हैं, दाहिने के बल्लेबाज विवेक के लिए गेंद और इसको खेल गया है लॉन्ग आउट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए, विवेक के बल्ले से निकलता हुआ एक पहला छक्का टीम को इसको तेजी से उछल कर पहुंचा 146 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य द कप मैच के लिए, जबकि इस समय 10वां ओवर फेंक रहे हैं अनिल। राइट आर्म ओवर द स्टंप विवेक के लिए गेंद, अगली गेंद इस बार लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे और स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर का इशारा व्हाइट का, अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंचा 147 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अनिल राइट आर्म ओवर द स्टंप विवेक के लिए गेंद और इसको गेंद हवा में जरूर है, उसके नीचे फील्डर और एक जो चांस था उसको गवा दिया है, जीवंत कहा जा सकता है विवेक के लिए, इसे एक रन के साथ विवेक पहुंचे अपने 7 के ऊपर, टीम का स्कोर पहुंचा 148 रन 3 विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है यहां पे सूर्य द कप पैंस के लिए, अब तो हाथ के बल्लेबाज अर्धशतक बनाकर खेल रहे हैं कोई अनिल, राइट आर्म डाउन द स्टंप बाय हाथ के बल्लेबाज के लिए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, गेंद रन लेना चाहते हैं वहां पे और एक रन, अंपायर का इशारा भी दिया ना बाकी, राइट और पाई की दो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचता हुआ 150 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर फेंक रहे हैं अनिल। विवेक के लिए गेंद पर किया गया था इसको मिडल के क्षेत्र में खेला है 6 रनों के लिए, विवेक के बल्ले से निकलता हुआ एक और गगनचुंबी छक्का, टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा 156 रन 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 10वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय अनिल के द्वारा। चौकों और छक्कों की बरसात होती हुई इस समय मधुबंगा स्टेडियम है। राइट आउट ओवर द स्टंप आपके बल्लेबाज के लिए, गेंद इस बार पटकी हुई गेंद और इसको खेल दिया है लॉन्ग आउट के क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्डर थी वहां पर फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदले। राइट आर्म राउंड द स्टंप आपके बल्लेबाज के लिए, ये गेंद और इसको खेले हम लोग मान के क्षेत्र में, जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, इसे एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा इस समय 158 रन 3 विकेट के नुकसान पे 10 ओवरों की समाप्ति पे। अब यहां से 5 ओवरों का खेल शेष है, इन 5 ओवरों में 30 गेंदों में कितने रन जुटा पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल रोहित आपने स्कोरर से जरूर जानना चाहेंगे, रोहित जो प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं, विवेक जो पांच का बल्लेबाजी करने आए हैं, दो छक्कों की मदद से 14 रन का बल्लेबाजी कर रहे हैं, 54 रन का बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गगन चुप्पी छक्के लगा चुके हैं। अब गेंदबाजी में सफलतम गेंदबाज अमित राय है, उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित,
कुछ मत करना चाहती हूँ वहाँ पे क्षेत्र में अब नए बल्लेबाज के रूप में हिमांशु
राइट आर्म ब्राउन दस्त भारत के बल्लेबाज जो है तेरे रोहित तेरा सीजन हो गई अपने आठ शतक से मात्र 17 रन की दूरी पे है शतक बना पाते हैं ये क्या नहीं ये तो आने वाला समय रहेगा फिलहाल कुछ मतलब चलती हुई यहाँ पे टीम का स्कोर है इस समय 188 रन 4 विकेट के नुकसान पे 178 रन 4 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पे सुधीर बेंच के लिए बड़ा मुकाबला फाइनल का चलता हुआ इस ग्राउंड पे और दो फाइनल की सर्वश्रेष्ठ टीमें आमने सामने होती हुई राइट ओवर स्टंप भारत के बल्लेबाज रोहित के लिए ये गेंद सुबह लेग स्टंप को छूती हुई गेंद अंपायर का इशारा व्हाइट और बाइक दो अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 180 रन चार विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है सुरेंद्र क्लब पेंस की टीम अब रजत है इस टाइम पे बाएं हाथ के बल्लेबाज जिनको अपना खाता खोलना है 15 अतिरिक्त रन खर्च व्हाइट के रन खर्च कर चुकी है यहाँ पे उड़ियाना की टीम गेंदबाज राइट आर्म ओवर द स्टंप पर आपके बल्लेबाज रजत के लिए पहली बार फुल टॉस गेंदबाज इसको मैदान के क्षेत्र में खेला है जब तक गेंद फील्ड होती वहां पर फील्डर के द्वारा दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर मार दे इससे एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 181 रन 4 विकेट के नुकसान पे इससे एक रन के साथ रजत ने अपना खाता खोला अभी भी यहां से 23 गेंदों का खेल शेष है 17 रनों की आवश्यकता है यहां पे और राहुल रोहित को शतक के लिए ये बात सो राइट आर्म ओवर द स्टंप पर आपके बल्लेबाज के लिए गगन चुंबी छक्के लगा चुके हैं 10 गगन चुंबी छक्के लगा चुके हैं यहां पे रोहित टचअप होगा पूरा मनोरंजन करते हुए यहां पे रोहित पूरा पैसा वसूल होता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर मधुबंगा स्टेडियम के ऊपर हिमगिरी एक्सप्रेस से भी दर्शक आनंद देते हुए इस मैच का फिलहाल हिमांशु चले राइट आर्म ओवर द स्टंप पर हाथ के बल्लेबाज और रोहित के लिए ये गेंद और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जाने दिया विकेट कीपर बीट हुए बल्लेबाज विकेट कीपर को बीट हुई गेंद थर्ड मैन के पास गई अंपायर का इशारा लेग बाई का अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा टीम का स्कोर पहुंचा 182 रन 4 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई समय सूर्योदय क्लब पेंच की टीम यहाँ पे दूसरा फाइनल खेलती हुई सूर्योदय क्लब पेंच की टीम राइट आर्म ओवर द स्टंप भारत के बल्लेबाज के लिए फाइनल के क्षेत्र में गेंद गई थी अच्छी गेंद दोनों कहा जा सकता है लेकिन समझ नहीं पाए सही से कनेक्ट नहीं हो पाई वहां पे गेंद और अच्छी गेंदबाजी निश्चित रूप से कहा जा सकता है अगर आप और हमारे बीच पूर्व प्रधान और महिला मुकाबला के अध्यक्ष हैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन इस आज के फाइनल मुकाबले में आपने अपना अमूल्य समय दिया है आपका भी स्वागत और अभिनंदन फिलहाल ये गेंद और इस बार समय से नहीं पाए वहां पे होने का खतरा जरूर है लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज हम भी क्रीज के ऊपर हमारे बीच दुनियाला से पूर्व प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी के साथ रवि ओपन
माननीय अध्यक्ष जी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस पूरे कमेटी के ऊपर से। और फिलहाल एक बार राइट अप ओवर द स्टंप ये गेंद और इसको खेला है मेरा क्षेत्र में 6 रनों के बल्ले से निकलता है पहला छक्का अपने साथ गेंद पे टीम का स्कोर तेजी से उछल कर पहुंचा है 188 रन। 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर 188 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब आगे की 18 गेंदों में कितने रन जुटा पाती है सूर्योदय कैंपेंस की टीम, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन हो न हो इधर कमेंट्री में परिवर्तन आइए। और आपने बताया जो आपने ये बात कही थी निश्चित तौर पर आपने Yeah.
22 रन
रुक जाना, गूगल पे आता है।
उनकी कमेंट्री में एक अद्भुत अच्छा देखा गया कि इतना हल्ला चल रहा जरूरी